डूडा शिवनी पुलिस ने लूट के आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि 24 जुलाई की रात्रि ग्राम डूंडरिया गहरा नाला के पास भोमा कन्हीवाड़ा रोड पर स्थित मुस्कान ढाबे के पास तीन नकाबपोश व्यक्तियों ने चोरी और लूट को अंजाम दिया था। भोमा की ओर से मोटरसाइकिल से सिवनी आ रहे व्यक्ति की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक कर उनके पास से एक मोबाइल, 400 रुपये नकदी और एक TVS मोटरसाइकिल छीन कर भोमा की ओर भाग खड़े हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे के मार्गदर्शन में SDOP पारुल शर्मा, थाना प्रभारी डूडा सिवनी, उप निरीक्षक देवकरण डेहरिया को अज्ञात आरोपी की तलाश करने हेतु आदेशित किया गया। थाना टीम के द्वारा दबिश के दौरान मोटरसाइकिल लाल कलर की विक्टर को एक व्यक्ति चलाते हुए पुलिस की टीम को चकमा देकर भागते हुए दिखा, जिसका पीछा करने पर घेराबंदी कर दबोच दिया गया। जब व्यक्ति का नाम पूछा गया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम मंगल पिता असाड़ू लाल उइके सिवनी निवासी बताया। संदेही के पास से मिली मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर अपने साथी प्रेम नगर निवासी भोमा राजा उर्फ ईशा पाल और गणेश उइके के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। यह उनके द्वारा कबूल किया गया कि डूडा निवासी थाना कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायालय द्वारा आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। थाना डूडा सिवनी का में कल रात 24-25 तारीख के दरमियान रात 12 से 12:30 के बीच मुस्कान ढाबा है मंडला रोड पर, वहाँ पर तीन अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक चलती गाड़ी पर से एक बाइक वाले पर मिर्ची से हमला किया, मिर्च पाउडर से, और उसके पास से एक मोटरसाइकिल करीबन 400 रुपये और उनका मोबाइल लेकर के वहाँ से फरार हो गए। इसके पश्चात साइबर की टीम और थाना डूडा सिवनी की टीम के द्वारा उसे उनमें से एक आरोपी को पकड़ा गया, जिसका नाम मंगल पिता अशाड़ू लाल उइके हैं, ये निवासी सिवनी हैं, और उससे पूछताछ पे उसके द्वारा बताया गया कि अन्य दो लोग भी उसके साथ उपस्थित थे जिनका नाम राजा उर्फ ईशा पॉल और गणेश उइके हैं, ये प्रेम नगर कानीवाड़ा भूमा के निवासी हैं। तो इस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद टीम के द्वारा ने पकड़ा गया है। मंगल पिता जो अशाड़ू लाल है उसके विरुद्ध भी पहले भी लूट के कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उसके अलावा जो राजा उर्फ ईशा पॉल है उसके विरुद्ध भी सिवनी कोतवाली में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ये गणेश उइके का अभी तक कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इनसे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करके फिर निकाला जाएगा कि इससे पहले भी इनके द्वारा कोई ऐसा अपराध रिसेंटली किया गया है, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं आसपास के जिलों में, तो संबंध में पूछताछ करके प्राप्त किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।